हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सोलर पीवी इंजीनियर आशीष मिश्रा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, अगर वो मैल फंक्शनिंग कर रही है तो उसे रीसेट करने की ज़रूरत पड़ती है। सेम ऐसे ही हमारा पीसीयू भी है। अगर ये मैल फंक्शनिंग कर रहा है, डिस्प्ले हैंग हो रहा है, सिस्टम हैंग हो रहा है, कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है, तो आपको सिस्टम को रीसेट करना है। रीसेट करने का भी एक प्रोसेस है। रीसेट करने के लिए पहले आपको इन्वर्टर से लोड हटा देना चाहिए। तो हमने रोटरी स्विच को घुमा के इन्वर्टर मोड से ऑफ मोड पर कर दिया। अब हमारा आउटपुट कट गया है। फिर हमें जितनी MCBs लगी हैं, इसमें सोलर की MCB है, बैटरी की है, इनपुट आउटपुट की है। तो पहले हमने इनपुट और आउटपुट की MCB गिरा दी, जो कि ग्रिड चार्जिंग की थी और आउटपुट की थी। फिर हमने सोलर चार्जिंग की गिरा दी। सबसे लास्ट में जो हमको गिराना है वो बैटरी की MCB गिरानी है। ये ध्यान रखना है, जब हम सिस्टम को रीसेट करते हैं, सबसे पहले लोड काटना है और सबसे आखिरी में बैटरी की MCB गिरानी है। तो बैटरी के MCB गिराने के बाद देखिए, डिस्प्ले बंद हो गया, सिस्टम हमारा प्रॉपरली शट डाउन हो गया है। अब हमें इसे ऑन करने के लिए सबसे पहला काम करना होगा, बैटरी के MCB उठानी होगी। हमने बैटरी के MCB उठा दी। अब डिस्प्ले में देखेंगे, हमारा सिस्टम ऑन हो गया होगा। ठीक है, हमारा सिस्टम ऑन हो गया। अब सिस्टम ऑन होने के बाद हम एक एक करके सोलर की MCB, ग्रिड चार्जिंग, आउटपुट की MCB उठा दिया। हमारा रीसेट का प्रोसेस पूरा हो गया है। अब आगे से पुश बटन को दबा के हम सिस्टम को स्टार्ट कर लेंगे। सिस्टम हमारा स्टार्ट हो गया है। इन्वर्टर ऑन, सिस्टम ऑन, SPV चार्जिंग ऑन। हमारे रीसेट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब हम रोटरी स्विच पे जाके लोड को फिर से इन्वर्टर पे डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।